हिमाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पर अमित शाह ने बड़ा हमला किया है। दिल्ली और हिमाचल में मां बेटे चला रहे पार्टी, अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने देश में खत्म किया परिवारवाद, जातिवाद, ये तमाम बातें अमित शाह ने कही और भी क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी में, दिल्ली की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में मां बेटे के अलावे कोई दिखाई पड़ता है? अरे बोलो ना भाई, दिखाई पड़ता है क्या? अब हिमाचल में भी मां बेटे के अलावे कोई दिखाई पड़ता है क्या? अगर मां बेटों ने ही पार्टी चलानी है तो मेरे युवा साथियों, आपकी जगह कहां रहेगी? रहेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, तुष्टिकरण और परिवारवाद, ये तीनों नासूरों को समाप्त कर मैरिट के आधार पर जो काम करेगा वो राज करेगा। हमने पिछले 5 सालों में हमारे विधायक जी के नेतृत्व में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे काम किए हैं। 70 साल तक इस कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की भूल को अपनी गोदी में झुलाने का काम किया, 370 को बचाकर। और धारा 370 के कारण भारत माता का मुकुटमणि अपना कश्मीर भारत के साथ कायमी जुड़ाव से अलग रहा। मोदी जी को आप लोगों ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। हिमाचल की सारी सीटें 2019 में फिर से मोदी जी की झोली में डाल दी। संसद में कहते थे, खड़े होकर संसद में भाषण करते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई भाई, कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं। और आज अपना कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरे विश्व में विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, लोकतंत्र के रास्ते पर चल पड़ा है। यहां मनमोहन की सरकार 10 साल चली, 10 साल तक ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली के दरबार में किसी की हिम्मत नहीं थी मुंह से एक शब्द बोले, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते थे। मोदी जी की सरकार आई, उरी पर हमला हुआ, पुलवामा पर हमला हुआ, पाकिस्तान को मालूम नहीं था यहां सरकार बदल गई है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर करारा जवाब देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने। और मित्रों, आज पूरी दुनिया में ये संदेश चला गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब मिलता है, जवाब मिलता है।